डिफरेंट बात करने से डरते हैं, क्योंकि हमने बड़े होते हुए लोगों के डर से अपनी आवाज को दबाना सीखा है, अपने पैशन को छुपाना सीखा है। लेकिन आज आज अगर हम चाहें तो इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। हमें इन यंग लोगों की आवाज बनना होगा, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि ये 25 साल से कम उम्र 10 करोड़ चेहरे आखिर कौन हैं और क्या चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का वो नौजवान हूं जो ख्वाब देखना नहीं भूलता, जो नौकरी के लिए जमीन पर पैर घिसता है, लेकिन उसके इरादे आज भी आसमानों को छू रहे हैं। मैं वो स्टूडेंट हूं, आर्टिस्ट हूं, ब्लॉगर हूं, सिंगर हूं, जो ख्वाब देखने से नहीं डरता, जो नए रास्तों से नहीं डरता। लेकिन हमारी दुनिया को एक ऐसी शेप दी जा रही है जिसमें हमारा कोई इनपुट नहीं है। हर तरफ एक शोर है जिसमें हमें खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। अकेली बाहर जाएगी, हो हाय, लड़कों के साथ पढ़ेगी, हो हाय, 25 एंड स्टिल सिंगल, हो हाय, लड़की मोटरसाइकिल चलाती है, हो हाय। मैं वो लड़की हूं जो एक्सपेक्टेशंस और डिसअप्रूवल के शोर में भी अपने कंधों पर इरादों की भारी चट्टान उठाए फिरती है। इस यूथ को साइडलाइन पर बैठकर चेंज नहीं देखना, हमें उस चेंज को लीड करना है। कुछ सालों में ये दुनिया हमारी होगी तो हमें बना लेने दें वो दुनिया जिसमें हमें जिंदा रहना है। अब आपका लोगो कैसा है, आपका डेटा सस्ता है या नहीं, आपकी सेलिब्रिटी या मॉडल कितनी फेमस है, वी डोंट केयर। यू आर नॉट स्पीकिंग आवर लैंग्वेज। अगर आपकी कंपनी हमारी अटेंशन चाहती है तो वेयर आर शूज, लिव आर लाइफ, हमारे साथ खड़े हों और हमें बताएं कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। हमसे कहें कि ख्वाब देखने से डरना नहीं है, ये तुम्हारा हक है। कहें कि बढ़ना है, डरना नहीं, उड़ना है, चलना नहीं, बस आगे जाना है, जो तुम चाहो उसको पाना है।